जिते मैं तो घर वापस आई जी जल्दी आ सो जल्दी आई जाओ और सभी हमारे घर से बहुत प्यार करती सभी से मेरे को कोई पता समझने लगी क्या हुआ था क्या नहीं है। आप ये बोल दो कि जहाँ पर भी है बेटा तू घर पे आ जा। आप जहाँ भी हो हमारे से कोई गलती हो बच्चों को गलती हो बाप को या बेटे को या किसी के भी गलती हो जरा भी सुन रहा वो उधर से मेहरबानी करके निशा देवी घर में आ जाना पहुँच जाना घर में बहुत परेशानी जो हमारे से कुछ होगा सानू माफ करना सबसे पर आपको कुछ बोला भी नहीं किसी ने नहीं कुछ है फिर पड़ी पर गर्मी आ जाना बहुत परेशानी तेरा पापा भी जा रहा है मम्मा भी और सब भी परेशानी में जैसे भी कोई कहाँ भी सुन रहे हैं ये वीरवा घर आ जाना। मैं इस समय निशा जी के घर के परिवार में मौजूद हूँ और आपने सुना कि पूरे परिवार की हालत किस तरह की है और परिवार से बातचीत करना चाहूँगा उनका क्या कुछ कहना है आइए उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि पूरा परिवार इस समय दुख में है कि कल देर शाम इस तरह की खबर आती है कि निशा जो है वो घर से लापता हो चुकी है और उनकी जो उनकी स्कूटी होती है वो तभी ब्रिज पर पाई जाती है। हालांकि पूरा परिवार इस समय चिंता में है कि और मांग कर रहा है पुलिस प्रशासन से और लगातार आप देख रहे हैं सुबह से ही SDRF की टीमें जो है तभी ब्रिज के अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं और परिवार सिर्फ उम्मीद कर रहा है कि निशा जो है घर वापस लौट कर जो है ज़रूर वापस लौट कर आए। नाम राकेश। राकेश जी कब लास्ट बात हुई थी आपकी निशा जी के साथ? शाम को 5 बजे। 5 बजे क्या बात हुई थी? मेरे घर वालों की बात हुई थी मेरी नहीं हुई थी मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो रात को जब हमने देखा कि वो आई नहीं काफ़ी टाइम हो गया 9:30 बज के हैं तो उसके बाद हम वहाँ पे गए सैलून में गए वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे लॉक था शटर बंद था तो मालिक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 8:15 बजे यहाँ से निकली है घर के लिए तो वो घर पहुँची नहीं है तो बाद में जब हमें रात को पता फ़ोन आया तो हमें पता चला कि उसकी जो स्कूटी है वो तभी पुल पे मिली है और उसकी सैंडल मिली है वहाँ पे और उसके बाद वो तभी से गायब है तभी से लगातार मतलब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है वो खुद भी नहीं मिल पाई है तो अभी सब घर वाले परेशान हैं कि उनका जल्द से जल्द पता लगा पाए ताकि हमें भी थोड़ी सी राहत मिले। क्या क्या अपील करना चाहेंगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर निशा इस वीडियो को देख रही हो? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी वो हो ये वीडियो देख रही हो तो ये वीडियो देखकर कम से कम पापा को देख के वो घर पे वापस आ जाता है जिस कंडीशन में भी है। पुलिस विभाग से आप क्या मदद की गुजारिश करते हैं? मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ SHO साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी की जाए और उनको ढूंढा जाए और हमें इतना दी जाए कि वो कैसे है किस कंडीशन में है कहाँ पर है पूरी मतलब कि हमें कार्रवाई जो है होनी चाहिए। लोकल हैं आप भी पूरी तरह से यहाँ पर फैमिली के साथ हैं क्या बात हुई है किस तरह का जो एक पुलिस के साथ कांटेक्ट हो रहा है और क्या कुछ बात? पहले तो हमें बहुत दुख हुआ ये घटना जो हुई है हमारे मुट्ठी में ये वार्ड नंबर 67 Sector 2 लक्ष्मी नगर की हमारी बेटी है जहाँ मोहल्ले की तो जैसे हमने मीडिया में देखा कि ऐसे ऐसी ये बात हुई है तो ये हमें सुना है कि ये इनकी स्कूटरी है जो तभी पुल पे पाई गई है जरूरी नहीं है ये कह सकते कि अभी जहाँ उसी में छाल लगाई है कि जहाँ क्या हुआ है तो हम यही अपील करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू और डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को भी जहाँ भी है इनकी बेटी को ढूंढा जाए और इनके फादर की हालत इतनी कंडीशन ख़राब है आप देख सकते हैं क्या है किस तरीके से ये अपनी बेटी के लिए परेशान है तो हम यही अपील करते हैं जहाँ भी ये बेटी है वहाँ उनको ढूंढा। तो जिस तरह से आपने देखा कि निशा जी की पूरी परिवार से हमने बातचीत करवाई है और उनका क्या कुछ कहना था उनके पिताजी को आप सुन रहे थे उनके भाई को सुन रहे थे उनकी माता जी को सुन रहे थे और मैं अपील करना चाहूँगा जो कुछ देर पहले आप तस्वीर भी देख रहे हैं निशा जी की 32 वर्ष उनकी उम्र है और आयु है और निशा जी जहाँ भी हैं और जितने भी इस समय लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों से अपील कर रहा कि निशा जी कहीं भी आपको दिखती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर जो है संपर्क कर सकते हैं। अगर निशा जी इस वीडियो को देख रहे हों तो आप अपने परिवार को जो है जिस तरह से परिवार की हालत है आप
उन हालातों के बीच में जो है जहाँ भी हैं सुरक्षित जो है घर वापस लौट कर जरूर आएँ। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।